सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। बानसेन के समीप नेशनल हाईवे पर स्थित बजरंग होटल पर टायर पंचर का कार्य करने वाला इरफान पंचर का कार्य करने के साथ मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि गेम खेलते समय फोन खराब हो जाने पर इरफान की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, जिसके कारण वह लोगों को मारने का प्रयास करने लगा, जिसकी सूचना पर परिजनों को दी गई और परिजनों की सहायता से इरफान पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। मौजूद लोगों ने बताया कि इरफान को मोबाइल गेम खेलने की लत है, जिसके चलते ऐसा हुआ है। लवान उपखंड के मोहनपुरा की ढाणी में शॉर्ट सर्किट से खेत में अचानक आग लग गई। इस दौरान गेहूं की पूरी फसल जलकर राख हो गई। वहीं सूचना के बाद पहुंची लवान पुलिस ने घटना का जायजा लेकर मौका रिपोर्ट तैयार की। बता दें, पीड़ित राधेश्याम शर्मा ने कहा कि गेहूं की फसल कटकर तैयार थी, वहीं परिजन दूसरे खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक धुआं उठता देख समीप ही खेतों में कार्य कर रहे किसान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन तेज हवा के चलते आग पर काबू पाने की कोशिश नाकाम रही, जिसके चलते खेत में पड़ी गेहूं की करीब 35 मण फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने घटना की सूचना जीएसएस पर देकर विद्युत सप्लाई बंद करवाने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी कर्मचारी के द्वारा कॉल रिसीव नहीं करने पर सप्लाई देरी से बंद कर दी गई, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। लवाण उपखंड मुख्यालय पर अखिल भारतीय समाज के जिला अध्यक्ष सतवीर गुर्जर के नेतृत्व में नायब तहसीलदार धर्म सिंह मीणा को राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान डिगारिया सरपंच घासीलाल गुर्जर ने बताया कि भीलवाड़ा जिले में स्थित हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र भगवान देवनारायण का मंदिर 45 वर्षों से बंद पड़ा था, जो देवनारायण भगवान की कर्मस्थली भी है, जिसे लेकर समाज सेवक गोपाल गुर्जर ने मंदिर का ताला खोल दिया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि यदि गोपाल गुर्जर को रिहा नहीं किया गया तो वह सर्व समाज की ओर से जन आंदोलन करेंगे। जिले के तहसील लवाण में सर्व हिंदू समाज के सभी पदाधिकारियों ने और संगठनों ने मिलकर ज्ञापन दिया है, जो हमारे भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ में भगवान श्री देवनारायण का मंदिर है, 45 साल से वो बंद था। उस पर हमारे एक युवा साथी ने, जो हमारे पास के बस्सी के रहने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास करके मुद्दा उठाया था और मुद्दा उठाने के बाद में उसने भगवान से। लवाण उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में शीतलाष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, लवाण कस्बे में तालाब की पाल पर स्थित शीतला माता मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। वहीं इस मौके पर रात्रि को भजन सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गायक कलाकारों ने एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध किया। इस अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की, जिसके चलते मंदिर परिसर में ठंडे पकवानों का ढेर लग गया। साथ ही महिलाओं ने पूजा कर शीतला माता की कथा सुन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। कुंडल उप तहसील मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में शीतलाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। बता दें, शीतलाष्टमी पर्व पर सुबह से ही महिलाएं रंग बिरंगे परिधान पहनकर हाथों में पूजा सामग्री थाली लेकर शीतला माता मंदिर परिसर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने इस दिन पूरे ही घर पर बनाए गए ठंडे पकवानों का शीतला माता को भोग लगाया। इस अवसर पर महिलाओं ने पूजा अर्चना कर शीतला माता से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अनूपगढ़ में योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के अवसर पर अनूपगढ़ के भगवा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के प्रभारी मनोज जोशी ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने तर्त होकर शिव मंदिर में मुख्य बाजार से होते हुए शिवाजी चौक तक एक विजय यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ योगी आदित्यनाथ की एक सजीव झांकी निकाली। वहीं भगवा ध्वज, गुलाल एवं पटाखों से माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। साथ ही शिवाजी चौक पर लड्डू का वितरण किया गया एवं कार्यकर्ता भगवा गीतों पर नाचते गाते नजर आए। पादरू के नारायण बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के कई गणमान्य लोग, विद्यार्थी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में भूतपूर्व छात्र एवं भामाशाहों को सम्मानित किया गया तथा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह का आयोजन भी किया गया।
इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक छगन सिंह भाटी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस मौके पर विद्यालय शिक्षक गणेश कुमार, गोविंद्रा, शहनाज, उर्मिला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VMR भारत TV।